पिंडी में मेरी फ्रेंड रहती है जिसमें बहुत ज्यादा ईगो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और इस वक्त मैं जो आप लोग से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये दम वाला कीमा मैं बना रही हूँ। ये ज़्यादातर बीफ़ के कीमे का बनता है, लेकिन बीफ़ का कीमा जो है ना ज़ईद के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर मैं चिकन के कीमे का बना रही हूँ। हम लोग रमज़ान में कीमा बहुत बनाते होते थे, लेकिन यह कि इस साल मैं कीमा बिल्कुल नहीं बना सकी हूँ कि ज़ईद के लिए अच्छा नहीं था, और चिकन का मुझे इतना खास पसंद नहीं है। लेकिन ये क्या दिल कर रहा था दम वाला कीमा बनाने को, तो मैंने कहा चलो चिकन का ही बना लेती हूँ। तो सारा कुछ मैंने चॉपर में डाल के इसको जो है ना चॉप कर लूँगी। और रमज़ान जो था वो बस गुज़र गया, समझ ही नहीं लगी कि कहाँ से आया और कहाँ चला गया है। बस दिल खफा हो जाता है कि बहुत कम दिन थे और गुज़र गए हैं, तो फिर वही पुरानी रूटीन होगी और हलचल होगी और बस ज़िंदगी के कामों में ऐसे फंसे होंगे कि जो है ना समझ ही नहीं आती है फिर अपनी ज़िंदगी की कि कहाँ से आ रही है और कहाँ से गुज़र रही है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और जितना मैंने वो सारा चॉप किया था वो मैंने जो है ना कढ़ाई में डाल दिया है। और अब जो है ना इस पे मैं इसको मैं दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे और ये पकता रहेगा। बहुत आसान तरीके से बनता है और बहुत मज़े का ये वाला कीमा बनता है। आप लोगों ने ये लाजमी जो है ना एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, ये यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है। और अक्सर जो है ना सहरी में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले सहरी में बनाया करती थी, लेकिन इस साल मैं तो जो है ना सहरी में भी ये नहीं बना सकी हूँ। इसमें बस मैंने रूटीन के मसाले डाले हैं और साथ मैंने तिक्का मसाला डाला है। आजकल मैं तिक्के मसाले को बहुत यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं आजकल मुझे इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो हर चीज़ में ठोकती जा रही लेकिन ये कि ये बहुत मज़े का कीमा बना था, तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि इस कीमे को आप लोग लाजमी ट्राई करें। और इस टाइम हम लोग तैयार होके बाजी के घर के लिए तरफ निकल रहे हैं। आज हमारी बाजी के घर अफ्तार पार्टी है, मतलब बाजी ने हमें अफ्तारी पे बुलाया है। कितने दिनों से बाजी प्लान कर रही थी और आज हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। तो बस मैं भी तैयार हुई हूँ, ज़ईद भी तैयार हुई है। और इन गलियों को इसमें जब भी मैं गुजरती हूँ मुझे बहुत सी यादें जो आती हैं पिंडी की आना शुरू हो जाती हैं। मैं घर के अंदर होती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है मैं पिंडी में हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तब मुझे पता चल जाता है कि मैं पिंडी में आ गई हूँ। और अभी हम बाजी के घर पहुँचे हैं। बाजी का घर जो है वो रेलवे का घर है और रेलवे के घर के बाहर बहुत ग्रीनरी होती है।
ये फ़ायदा बहुत होता है कि खुली जगह होती है, चलो बंदा पौधे वगैरह भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना बीफ पुलाव जो है ना तैयार हो गया है, और ये मेरी फरमाइश पे बाजी ने बनाया था कि मुझे जो है ना पुलाव बहुत पसंद है, और ये लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। और बड़ा मज़ा आता है कि बंदा तैयार प्यूरा होके आके जो है ना अगले के घर बैठ जाता है और सारा कुछ तैयार मिलता है। ये मेरे भांजी ने जो है ना गुलाब जामुन बनाए थे, और यकीन जाने ये बहुत मज़े के और टेस्टी थे। और यहाँ पे मैं चेकिंग कर रही हूँ कि क्या क्या बन ये पार्टी ख़त्म होगी और हम जो है ना इस वक्त हॉस्पिटल आए हैं किसी का पता करने। और आज की पार्टी को मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। पार्टी तो एक बहाना होता है, असल बात तो मिल बैठ के गप्पे लगाने होती हैं, और जो होता है ना उसमें ही मज़ा होता है। तो मैंने आज खूब इंजॉय किया और मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरा आज। पिंडी के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। पिंडी में मेरी फ्रेंड रहती है जो जिसको मैं मिलने जो है ना अटक से आया करती थी और भागती भागती आया करती थी। हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन ये कि फ्रेंडशिप में जब ईगो आ जाती है तो वो फ्रेंडशिप जो है ना वहीं पर ख़ात्मा हो जाता है, क्योंकि जो दोस्ती होती है इसमें ईगो नहीं होती है। और हर रिश्तों में ईगो होती है लेकिन दोस्ती में नहीं होती है। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है कि इसमें जो है ना गिले शिकवे होते हैं, लेकिन एक चीज़ को जो है ना अना का मसला बना के नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती थी ही नहीं, वो जो है ना मैं उसको फिर दोस्ती नहीं समझती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी यादें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो बस वैसे कभी कभी दिल खफा हो जाता है कि मैं पिंडी में रह के जो है ना उससे इतनी दूर हूँ, तो क्योंकि पिंडी उसी का उसका शहर है और मैं यहाँ पे परदेसी हूँ। और मैं पता नहीं कितने अरसे के लिए आई हूँ, कितने अरसे के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने तो मुस्तकिल यहाँ नहीं रहना है। और वो अपनी ईगो के साथ ज़िंदा रहेगी। तो और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दो हम याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।